आज मैं आप सभी के साथ घुगनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिकी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि उनकी घुगनी का मटर या फिर ज़्यादा गल जाता है या फिर थोड़ा कच्चा रह जाता है, कड़ा रह जाता है। तो आज हम बनाना सीखेंगे बिल्कुल परफेक्ट घुगनी, इसका मटर ना ज़्यादा गलेगा ना फिर कड़ा रह जाएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको इसी तरह की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले मटर को 8 से 10 घंटे या सारी रात भिंगो के रख देना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, मटर को 8 से 10 घंटे के लिए भिंगो के ज़रूर रखना है। अब मटर में आलू के बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से काट के डाल देने हैं। मटर को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें पानी प्रेशर कुकर में इस तरह से डालना है ताकि आपका मटर पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर दे के इसको 3 से 4 सीटी लगने तक उबाल लेना है। जब तक मटर हमारा बॉयल हो रहा है तब तक प्याज काट लेंगे और बाकी की तैयारी भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, जितना बारीक हो सके। देखिए मैंने यहाँ बिल्कुल बारीक चॉपर में प्याज को काट लिया है। अब एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेना है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देना है, 2 तेज पत्ता डालना है और प्याज को अब अच्छी तरह से भून लेना है लाल होने तक। देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, ये लाल रंग का हो चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरी मिर्च पिसी हुई डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च बिल्कुल आपके स्वाद पे डिपेंड करता है, आप जितना तीखा खाना चाहें उतना हरी मिर्च को आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को फिर से 1 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाने के बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर के जगह पे 1 से 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हल्का सा पानी मैंने ऐड कर लिया है। अब 2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सभी मसालों को डाल के फिर से हम लोग 2 से 3 मिनट तक सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। हम लोगों ने मटर उबालते समय नमक ऐड किया था, इसलिए जस्ट थोड़ा सा मैंने काला नमक ऐड किया है ताकि मसालों में भी नमक का स्वाद अच्छी तरह से आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, साइड से तेल रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि आपके मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम लोग इसमें उबले हुए मटर, आलू और जिस पानी में हम लोगों ने मटर आलू बॉयल किया था उस पानी को भी इसमें ऐड कर देंगे, उसे फेंकना नहीं है। अब मटर को मसालों में अच्छी तरह से मिला के मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पकने देना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश धनिया के पत्ते को बारीक काट के घुगनी में ऐड करेंगे और गैस को करेंगे ऑफ। तो तैयार हो चुकी है हमारी घुगनी। देखिए मटर जो है कितनी अच्छी तरह से बॉयल हुआ है, ये ना गला है और ना ही हार्ड है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए ये परफेक्ट घुगनी की रेसिपी और कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें कि कैसी बनी आपकी घुगनी। आप इसे ब्रेड
या फिर पराठा और पूड़ी के साथ खा सकते हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक के रूप में ऐसे ही खा सकते हैं, थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता से गार्निश करके। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।